नमस्ते दोस्तों, भारत सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना के हम शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से आज देश के ज़्यादातर लोगों के हाथ में अपना खुद का खाता और खुद का एटीएम कार्ड है। आज बात होगी उसी एटीएम कार्ड की कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कब से शुरू हुआ और हम एटीएम के और कौन कौन से फ़ायदे निकाल सकते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं एटीएम शब्द की। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आसान भाषा में एक ऐसी मशीन जिसे पहले से प्रोग्राम कर दिया गया है कि लोगों द्वारा मांगने पर वह उस प्रोग्राम की गई वस्तु को आपको स्वतः ही दे देगी। इसकी खोज तो 1967 में हो गई थी। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि एक व्यक्ति थे जॉन सेफर्ड बैरन। रहते तो इंग्लैंड में थे लेकिन इनका जन्म भारत के मेघालय के शिलोंग में हुआ था। बैरन ने मशीन बना दी और लोगों को छूट दे दी कि कहीं भी कभी भी 24x7x365 आप इस मशीन से कोई भी सामान मांग सकते हैं। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इस मशीन से पैसे मांगने का। भारत में बैंक अपने कस्टमर्स को कहीं भी कभी भी पैसे निकालने की सुविधा देने के लिए इस मशीन का यूज़ करती हैं और बैंक कुछ कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जिन्हें हम दो तरीकों से देख सकते हैं। पहले जो कार्ड होते हैं उन्हें हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, जो दूसरे टाइप का कार्ड होता है उसे हम क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। एक एक करके दोनों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं डेबिट कार्ड की। आपको याद होगा पहले जब आपको बैंक से पैसे निकालने होते थे तब आपको ढेर सारी शर्तें भी पूरी करनी होती थी, जैसे दिन हो उस दिन छुट्टी ना हो, जब आप बैंक जाएं तो बैंक में कर्मचारी उपस्थित हों और भी ढेर सारी शर्त। इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बैंक ने एटीएम का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जिसमें बैंक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से उनके कस्टमर कभी भी कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है जिसमें 16 अंक अंकित होते हैं और 3 अंकों का CVV होता है, जो आपको और आपके खाते को वेरीफाई करते हैं। इसके माध्यम से आप कभी भी कहीं भी अपने खाते के पैसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के कार्ड, जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है, लेकिन सिर्फ खास कस्टमर्स को, ऐसे कस्टमर जिन पर बैंक का ज़्यादा विश्वास है, जो बैंक के साथ ज़्यादा लेन देन करते हैं, अपने ऐसे प्रिय कस्टमर्स को बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने की सलाह देता है। क्रेडिट कार्ड के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड है क्या। क्रेडिट कार्ड लोन लेने की एक सरल प्रक्रिया है। कभी कभी मंथ एंड के टाइम पे लोगों को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तब किसी से मांगना या बैंक से लोन लेना या किसी और से पैसे मांगने की बजाय बैंक ने एक सुविधा दी है कि आप क्रेडिट कार्ड बनाइए, आपको एक सीमा दे दी जाएगी, एक लिमिट दे दी जाएगी, आप उस लिमिट तक पैसे आसानी से बिना किसी से पूछे निकाल सकते हैं और एक दिए गए समय के अंदर। वो समय अलग अलग बैंकों का अलग अलग अमाउंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, जैसे 30 से 40 दिन का समय जनरली बैंक देती हैं और इस समय पे बैंक आपसे ब्याज नहीं लेती है। आप बिना किसी से पूछे अपने क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं या उतने की शॉपिंग कर सकते हैं या कोई भी खर्चा आप कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड आपको जब आपके खाते में पैसे ना हो तब मदद करता है, लेकिन एक निर्धारित समय के भीतर क्रेडिट कार्ड में फिर से पैसे क्रेडिट कराने होते हैं। तो ये बैंकों द्वारा दी जाने वाली एक विशेष सुविधा है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड्स की कुछ अच्छाइयाँ। आपके पास जब पैसे कम हो या पैसे आपके पास आने में थोड़ा समय लग रहा हो, तब आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अपने ज़रूरी काम, इमरजेंसी वाले काम कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड की कुछ नुकसान भी होते हैं। क्रेडिट कार्ड जनरली बैंक्स को फ़ायदा दिलाने के लिए होता है। बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड आपकी आदत बिगाड़ने के लिए दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड कोशिश कराता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें, इसलिए उसमें रिवॉर्ड्स दिखते हैं, उसमें खूब सारे ऑफर दिखते हैं और आप मज़े मज़े में आके क्रेडिट कार्ड से खूब सारी शॉपिंग कर लेते हैं। और क्रेडिट कार्ड वाले पूरी कोशिश करते हैं कि दिए गए समय से थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा हो जाए और वो आपसे मनचाही इंटरेस्ट हासिल कर सकें। तो क्रेडिट कार्ड को ठीक तरीके से यूज़ करने पर फ़ायदा कस्टमर को होता है, लेकिन ज़रा सी भी चूक हो जाने पर सारा फ़ायदा बैंक को होता है। निश्चित रूप से बैंक को क्रेडिट कार्ड देने में कुछ फ़ायदा होता है, जैसे अलग अलग टाइप की फ़ीस लेता है बैंक, लेट पेनाल्टी चार्ज लेता है, कैश विड्रॉल करने में भी अलग अलग चार्ज बैंक आपसे लेता है। तो आज हमने जाना एटीएम मशीन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपने गौर किया होगा एटीएम कार्ड्स में रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड या मेस्ट्रो लिखा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसका क्या मतलब होता है और आखिर क्यों हमारे एटीएम कार्ड में इनका नाम लिखा होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।